हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आज आपको पता है, इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है, ठीक है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट आता जा रहा है। ऐसे में हमको अपने देश को बचाना है, जिसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। हम सभी ने पढ़े हुए हैं, हम सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी ना किसी फील्ड में हमने सभी ने इस मॉडल को देखा भी है और लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया है। पर आज इस मॉडल को हमें पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना के चलते सभी वर्कर्स अपने अपने स्टेट लौट गए हैं। अब उनके पास इतना इम्प्लॉयमेंट नहीं होगा कि वो कुछ काम कर पाए। जैसे आप सोचो, हमें मनरेगा में वर्कर को काम देते हैं, कोई स्टेट में गया है हम उसको कितना काम दे देंगे, 100 दिन का, और उससे उसका परिवार नहीं चलेगा ना। और मनरेगा में हम इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब जो इलिटरेट पर्सन्स हैं, उनको काम देते हैं। अभी हम लिटरेट पर्सन को काम नहीं देते हैं मनरेगा में, हमें ऐसे लोगों को भी काम देना है। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मॉडल्स हैं जो हम खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप सभी ने इसको सुना होगा, अच्छे से सुना होगा, पर अभी तक हमने ये नहीं सोचा कि आज की जो समस्याएं हैं हम उन सबको सॉल्व कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से। आइए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में और इससे क्या फ़ायदा होगा। सपोज कीजिए, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, ओके। तो एमपी में बहुत सारे वर्कर्स आए हुए हैं, जैसे कोई दूध के हैं, जैसे अमूल का मॉडल आपने पढ़ा होगा। अमूल वालों ने क्या किया, बहुत सारे दूध डेयरी सेक्टर्स को कंबाइन करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जिसका नाम अमूल था, ओके। उसने आज कितनी तरक्की की है, आसपास के उस एरिया के सभी डेयरी सेक्टर्स डेवलप हुए हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से। आज जैसे एमपी में बहुत सारे माइग्रेटरी वर्कर्स आए हुए हैं ना बाहर से, जो बाहर काम करते थे, सपोज दिल्ली में काम करते थे, यूपी में काम करते थे, महाराष्ट्र में करते थे, पर आज अपने अपने गांव आ गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। ऐसे में आपकी मदद से या फिर वो खुद से, जैसे एक टेलर है, एक टेलर है सिंगल, उसको अगर अपना धंधा ओपन करना है, बाहर से आया हुआ है, अभी महाराष्ट्र में था, अब ग्वालियर आया हुआ है, उससे धंधा ओपन करना है तो उसे टाइम लगेगा, शॉप खरीदनी पड़ेगी, शॉप के बाद वहाँ पे अपना पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस लिस्ट को देखते हुए कि कितने हमारे एरिया में लोग आए हैं, ऐसे सभी टेलर इकट्ठे हों, टेलर सारे इकट्ठे होकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, और फिर उनको गारमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेना इजी हो जाएगा। लोकल मालिक भी सोचते हैं, व्यापारी, कि हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अगर लोकल तो सस्ता भी मिलेगा, तो उन्हें फ़ायदा भी होगा, कपड़े क्वालिटी भी अच्छी होगी, नया कंपटीशन होगा, तो लोग अच्छे से धंधा कर पाएंगे। तो ऐसे में सभी टेलर इकट्ठे हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो बाहर से कुछ और कुछ काम करते थे, इंजीनियरिंग का काम करते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, अपना खुद का ठेका ले सकते हैं, लोकल अथॉरिटी में जाके खुद एक ग्रुप बना सकते हैं, नहीं तो लौट के। अभी क्या हुआ था, आज हमारे मजदूरों की इतनी हालत क्यों ख़राब थी, उसका रीजन था वो लोग वहाँ पे थे, उनके पास यूनियन नहीं था। अगर वो वापस जाएं तो वहाँ पे यूनियन बना सकते हैं, अपना अगर यूनियन बनाएंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी, वो बात कर सकते हैं मालिक से, बोल सकते हैं कि हमें अच्छा घर दीजिए, हमें रहने को अच्छी व्यवस्थाएँ दीजिए, ये व्यवस्थाएँ मिलेंगी कभी हम काम करेंगे, और यूनियन की हर कोई सुनता है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में आज हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी और यूनियन दो मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है पूरे इंडिया में। अगर टेलर सारे इकट्ठे होते हैं तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उनको गवर्नमेंट से, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, ऐसे महिलाएं हैं, महिलाएं गांव में, अभी पहले क्या होता था, एक मिडिल मैन था मैंगलोर में, मिडिल मैन के थ्रू हम लोग क्या करते थे, वहाँ की महिलाएं मिडिल मैन से सामान मंगाती थी, बीड़ी वगैरह बनाने का, वो सामान देता था, उसके बाद वो लोग बीड़ी बनाती थी, वही मार्केट में मिडिल मैन बेचने जाता था, तो उससे उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी नहीं थी, उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। उन्होंने खुद का एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के खुद ही मार्केट जाते थे, खुद ही सामान खरीद के लाते थे, खुद ही बेचते थे, तो उससे उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा, है ना। तो ऐसे ही मॉडल हम अपने लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोकल अथॉरिटी से बोल सकते हैं कि हमारे एरिया में कितने माइग्रेटरी आए हुए हैं, उनसे हम देख सकते हैं कि उनका क्या काम था, उनका काम क्या था, उनको इकट्ठा करें, उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप कराएं। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनको डेयरी सेक्टर में आगे बढ़ाएं,
डेयरी सेक्टर में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो भी बहुत स्कोप है। गारमेंट्स अगर टेलर हैं तो टेलर के लेवल में आगे बढ़ें, इंजीनियर हैं तो उस फील्ड में आगे बढ़ें। इस तरीके से हम उनकी सारी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं, उनको अच्छा बार्गेनिंग पावर मिलेगा, उनको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और काम मिलेगा। तो इससे मेन हमारे जो माइग्रेटरी वर्कर्स हैं उनको धंधा एस्टेब्लिश करने के लिए शॉप चाहिए, सारे काम वो सब नहीं करना पड़ेगा और उनको लोन भी मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। और अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी होती है कि लोकल अथॉरिटी उसकी बात सुनती है, उसे चीज़ें अवेलेबल कराएगी। तो ऐसे में इन सारी जो मॉडल्स हमने पढ़े हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट हम सब करा सकते हैं। हम लोकल अथॉरिटी का भी यूज कर सकते हैं, हम लोकल अथॉरिटी का भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके थ्रू हमें लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट से हम उनके साथ काम कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं अपने मॉडल के बारे में, जिससे वो हमारी हेल्प करेंगे। हम इसको एक सोशल कैंपेनिंग की तरह लोगों को बताएं कि इस तरीके के मॉडल होते हैं, अगर आप करोगे तो इससे आपको आपके फैमिली को बहुत फ़ायदा है, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं हम, उनको चीज़ें अवेलेबल करा सकते हैं, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनको लोन अच्छे से मिलता है, ये सारी फैसिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एक युवा क्या कर सकता है, युवा एक कोऑर्डिनेटर का काम कर सकता है। कैसे? जैसे एक बंदा है, ठीक है, सपोज राम है, राम जाता है, ऐसी लिस्ट देखता है कि इसमें कौन कौन टेलर का काम करता है, उन टेलरों से कौन बातें करता है, बात करके उन्हें बताता है इस मॉडल के बारे में, उनको इकट्ठा करता है, उसके थ्रू उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के खुद उसका हेड बन के उसे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है, उनकी हेल्प करता है। तो ऐसे में आपको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आप उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों के भी फैमिली मैनेजमेंट होगा, वो लोग भी अपनी फैमिली अच्छे से चला पाएंगे, गांव में रह पाएंगे। तो ऐसे हमारे गांव में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेंगी, तो सिटी में जाने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट गांव तक आएगा, और अगर गांव तक कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो गांव डेवलप भी होगा, गांव की रोडें बनेंगी, गवर्नमेंट खुद सोचेगी कि इस एरिया से इतने कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, इतने ट्रक जाते हैं, इतना सामान सप्लाई होता है, तो यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट करें। तो ऐसे में हम बहुत अच्छा मॉडल है, हम इसे बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर ज़रूरत है इनिशिएट करने की। आप सभी इनिशिएट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बना सकते हैं, तो आज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आज एक भी वर्कर नहीं चाहता वापस सिटियों में जाएं, वो 1700 1700 किलोमीटर, इतना किलोमीटर, 1700 700 800 जितना भी किलोमीटर चले हैं, पैदल चल के आए हैं, किसी के पैरों में छाले पड़ गए, कोई रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई, ऐसे में उन्होंने ये सब देखा हुआ है, वो कभी वापस नहीं जाएंगे। और उनके लिए हमें आज अगर कुछ करना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं आप सबकी मदद से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।